कावड़ का एक अलग ही महत्व होता है। इसी महत्व को देखते हुए हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसको निभाते हुए हनुमान मालियन मंदिर और पूरे माली मोहल्ले के सभी समाज के लोगों के द्वारा आयोजित की गई कावड़ यात्रा, इस कावड़ यात्रा के अंदर सभी लोगों ने बड़े तन मन धन से भाग लिया। श्री हनुमान जी मंदिर कृष्णगंज माली मोहल्ला की निकली विशाल कावड़ यात्रा, बैंड बाजों के साथ माँ काली के अखाड़े ने दिखाए हैरतंगेज करतब, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। कृष्णगंज माली मोहल्ला स्थित श्री हनुमान जी मंदिर की पिछले 18 वर्षों से निरंतर चली आ रही कावड़ यात्रा पिछले 2 साल कोरोना की वजह से आयोजित नहीं हो सकी, लेकिन इस साल बड़ी धूमधाम से कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। रविवार सुबह 8 बजे कावड़ यात्रा शांतिपुरा से आरंभ होकर आनंद नगर, नंदेश्वर महादेव मंदिर, गौरवपथ, कृष्णगंज से माली मोहल्ला स्थित श्री हनुमान जी मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। अध्यक्ष गोविंद राम यादव ने बताया कि सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़िए तीर्थराज पुष्कर से पवित्र पावन जल लेकर आए। वैशाली नगर शांतिपुरा से 101 महिलाएं पवित्र जल कलश में लेकर कांवड़ियों के साथ शोभा यात्रा के रूप में शामिल हुई। शोभा यात्रा में मां काली का अखाड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यादव ने बताया कि 18 वर्ष से सावन के दूसरे रविवार को यह कार्यक्रम यथावत जारी रहता है। इस धार्मिक आयोजन में अध्यक्ष गोविंद राम यादव, रमेश चौहान, पृथ्वीराज सांकला, कुलदीप सत्रावला, पीयूष भाटी, नौरथ यादव, गोपाल यादव, मनोज दारीवाल, राजेश सत्रावला, अरुण भाटी, मनीष वर्मा, परेश भाटी, गणेश भाटी, अंकुर सैनी, योगेश गहलोत, पुखराज, नवीन सैनी, रितेश यादव, दीपेश यादव सहित कई कार्यकर्ता व स्थानीय महिला पुरुष मौजूद रहे। कावड़ का एक अलग ही महत्व होता है। इसी महत्व को देखते हुए हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसको निभाते हुए हनुमान मालियन मंदिर और पूरे माली मोहल्ले के सभी समाज के लोगों के द्वारा आयोजित की गई कांवड़ यात्रा, इस कांवड़ यात्रा के अंदर सभी लोगों ने बड़े तन मन धन से भाग लिया और बहुत उत्साह से भाग लिया। इसमें काली का अखाड़ा, कांवड़े और ढोल ढमाकों के साथ, बैंड बाजों के साथ और जगह जगह अल्पार की व्यवस्थाएं थी। इतना आनंद आया, ये आनंद का माह है। इस पूरे माह के अंदर हर दिन एक अलग दिन का महत्व होता है और आज रविवार है, कल सोमवार है और आज ये बरसात का मौसम हो गया और मौसम ने भी सबका साथ दिया और इतना आनंद आया कि लोग पुष्कर से कांवड़ लेके जल भर के और हमारे हनुमान मंदिर में आते। ये परंपरा कम से कम हमारे 15 सालों से चलती आ रही है। इसमें सभी लोगों का विशेष महत्व है। सबने बड़ा तन मन धन से और खुले मन से काम किया और खुले मन से आनंद लिया और इस उत्सव को मनाया और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। भाई 3 साल से जो कोविड के अंदर सभी के धंधे ठप हो गए, सारे धार्मिक कार्यक्रम बंद हो गए, अब ये क्या है, शिवजी की कृपा रही और सावन का ऐसा महीना है, शिवजी की असीम कृपा रही। सुबह से झिरमिर हो रही है और हम पुष्कर से यहाँ आ रहे हैं तो ये ऊपर वाले का बहुत हुआ है शिव जी का कि हमारे जो ये 15-20 सालों से सब समाज से मालियन मंदिर में जो कावड़ आ रही है वो आज बहुत ही अच्छी तरीके से सभी ने अपने तह दिल से, मन से, धन से, सब भाई लोगों ने मतलब इसमें हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के और इसको बहुत एक भव्य तरीके से हमने निकाला। और कोविड को देखते हुए लोगों का जो घरों के अंदर जो बंद थे वो एक खुल के एक मतलब खुशी आई कि अरे भगवान के निमित्त हम बाहर निकले और बढ़ चढ़ के आज हिस्सा लिया और एक शिवमय माहौल हो गया। सभी ने बम बम के नारे, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए, बच्चों ने, लेडीज ने, बुजुर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया